फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो क्लिप है वीडियो का, ये पिछले पार्ट वन में भी आपने देखा होगा, पार्ट वन ब्लॉग जो आया है वट सावित्री पूजा का, पर फिर भी थोड़ा सा शुरुआत यहीं से मुझे करना था इसलिए मैं दिखा रही हूँ ये वाला क्लिप। तो अभी मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ, मॉर्निंग का टाइम है, बहुत भीड़ भाड़ वाला ये होता है रूटीन मॉर्निंग में, तो निकल चुकी हूँ। हस्बैंड का छुट्टी नहीं है, ऑफिस भी जाना है उन्हें पूजा करवाने के बाद, और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे पूजा हो रहा है। तो ये जो एरिया है कासरियो पलावा का एरिया है, पवार पब्लिक स्कूल जो है ना उसके जस्ट थोड़ा सा आगे सुपर मार्केट है, सुपर मार्केट के अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है नोटिका करके, वहाँ पे ये पूजा हो रहा है। और ऐसी बहुत सारे जगह पे यहाँ पे पलावा में पूजा हो रहा है, जैसे 5-6 बट का ब्रिज है, हर जगह पे पूजा हो रहा है। और इसके कारण क्या हो गया है ना कि भीड़ थोड़ा सा कम हो गया है, तो ये अच्छा हो गया कि एक ही पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुआ, लोग आराम से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोग होने भी ज़रूरी होते हैं, अकेले भी मज़ा नहीं आता। जैसे बट का पूजा में क्या है ना कि बहुत लोग घर पर भी कर लेते हैं, बट का जो डाली होता है वो लाते हैं घर पर गमले में लगा के और घर पर भी कर लेते हैं, पर मुझे अकेले करने में मज़ा नहीं आता पूजा पाठ। अपने कल्चर के कुछ लोग होना साथ में तो बहुत अच्छा लगता है। और रही बात यहाँ सोसाइटी का, तो यहाँ सोसाइटी में मुझे कोई मिला नहीं अपने कल्चर का लोग जो साथ में पूजा पाठ करे, और अकेले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है करना, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं की रुनवाल में और मुझे पलावा में जाना पड़ा। तो यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड है ना बगल में खड़ी है, ये पलावा में रहती है कासरियो में पवार पब्लिक स्कूल के पास, और इसका घर रुनवाल में भी है जो कि रेंट पर दे रखा है इसने। तो इसको मैं कॉल की थी कि कहाँ पे कर रही हो पूजा, तो इसने बोला कि यहाँ पे कर रही हूँ, आ जाओ, तो फिर मैं वहीं पे चली गई। और पहले हम लोग गणपति मंदिर पे भी देखे थे कि शायद गणपति मंदिर में कासरियो में हो रहा होगा तो वहीं पे कर लेंगे, पर वहाँ पे बट कवरेज नहीं था, थोड़ा सा आगे था। तो फिर मैं भी यहाँ आके पूजा पाठ करने लगी हूँ। पूजा पाठ का स्टोरी क्या है वो भी मैं बताऊँगी, क्योंकि जब मैं आ रही थी ना पूजा करने के बाद लौट रही थी, तो मेरे हस्बैंड के एक दोस्त मिले थे यहाँ पे आते हुए रुनवाल में, तो वो बोले कि कौन सा पूजा था, क्या स्टोरी है। तो उनको मैं बोली थी कि ठीक है मेरे YouTube चैनल पे आप देख लीजिएगा, मैं स्टोरी बताऊँगी कि क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्टोरी बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ये पूजा क्या है, क्यों करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ पूजा के बारे में। ये जो पूजा है ना, ये सावित्री और सत्यवान का व्रत कथा है। ये बट सावित्री व्रत बोला जाता है, ये पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। जैसे हम लोग करवा चौथ या हरतालिका तीज व्रत करते हैं ना, उसी तरह से ये भी पति के लिए ही किया जाता है। और पति के लिए इसमें कपड़े चढ़ाए जाते हैं, अगर कुछ भी ना हो कपड़ा नया, तो पति के लिए एक रुमाल या जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। पूजा पाठ का जो मेन सामग्री है फल फ्रूट और मिठाई, और पंखा बहुत ज़रूरी होता है इस व्रत में, पंखा का होना एकदम आवश्यक है। अगर पंखा ना हो तो मजबूरी में आप बट का जो पत्ता है ना उससे भी आप काम चला सकते हैं। बट का पत्ता, एक साल ऐसा हुआ था मेरे साथ कि पंखा नहीं मिला था, तो फिर हम उसी से किए थे। और यहाँ पे देखिए जो पत्ता है ना, इसको पूजा करने के बाद अपने बालों में लगाते हैं, पता नहीं इसका क्या नियम है, पर ये बाल में ज़रूर लगाते हैं आज के दिन, और बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये जो पत्ता है इसको हम घर में आके रख देते हैं, एक साल तक इसको ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं फेरे लगा ले रही हूँ। फेरे का जो नियम है 108 बार, 21 बार, 11 बार, जितना जिससे बने उतना लगा सकते हैं। तो ये जो मेरी फ्रेंड है ये 108 बार लगा रही है, क्योंकि इसका घर बगल में ही है तो आराम से लगा सकती है। मैं थोड़ा सा दूर से आई हूँ, मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, इसलिए मैं सोची कि चलिए 21 बार ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं फेरी लगा लूँगी और उसके बाद फिर मैं कहानी पढ़ूँगी। कहानी है बट सावित्री व्रत का, वो सत्यवान और सावित्री की कहानी है। सावित्री के पिताजी जब बोले थे कि अब जाओ अपने लिए वर ढूंढ लो, तो सत्यवान को उन्होंने पसंद किया था, और उनको पता चल गया था, नारद जी आकर बोले थे कि सत्यवान अल्प आयु हैं, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं मैं शादी करूँगी तो इन्हीं से करूँगी। तो फिर भी सावित्री और सत्यवान की शादी हो गई थी, और सावित्री एक एक दिन जोड़ती थी, उनको पता था कि कौन से दिन को इनको मृत्यु लिखी हुई है। तो बट के नीचे, बट के ब्रिज के नीचे सत्यवान और सावित्री बैठे हुए थे, उसी समय यमराज वहाँ पे आए थे, और इसी तरह से कुछ कहानी है। तो चलिए मैं थोड़ा सा कहानी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उनके महाराजा, राजा बोले से तो राज का स्वामी छीन लिया है, और क्या फल मुकामना कर सकती थी। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के एक
युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे प्रदान हुए सत्यवान को फांसी से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनवांछित वरदान देकर यमराज नहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह लौट कर वट वृक्ष के नीचे आई। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान की मृत्यु शरीर पड़ा हुआ था, तभी उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा सत्यवान का सुनाया और फिर वह दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले। सत्यवान के माता पिता की दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वह अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवापरायण पुत्र वधु को देखकर अंत सुखी दुखी रह रहे थे। तभी सावित्री सत्यवान वहाँ पहुँच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पति व्रत का समाचार फैल गया। वैष्णव में महाराज धूर्मसेन का लेकर आदरपूर्वक राजा सिंहासन पर बैठा कर दो बुझ चार चतुर बुझ दस बुझ ते सोए तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकार अक्षय माल वन माला मुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले भोले शिवधारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर भागंबरे अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकार कर्मे शेष कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता जग कर्ता जग हरिता जग पालन करिता ओम जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते विवेका प्राण वाच के मदय तीनो एका ओम जय शिव ओंकार त्रिगुना शिव की आरती जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकार। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है मेरा और भी लेडीज जैसे जैसे आ रही हैं कर रही हैं, कुछ लोग करके जा भी चुकी हैं, तो अब मैं भी निकलूँगी यहाँ से। बस थोड़ा सा बता दूँ कि पूजा पाठ के बाद यहाँ पे 5 सुहागन को कम से कम सिंदूर लगाया जाता है और प्रसाद दिया जाता है और उसके बाद घर पे जाकर पतिदेव जी का भी पूजा करना है। उनको ऑफिस भी जाना है तो जल्दी से उनका भी मैं पूजा कर लूँगी। घर पहुँचने के बाद उनको मतलब आज आरती लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, कंगन बांधा जाता है और ये क्या बोलते हैं कपड़ा जो भी आप चढ़ाते हो उनके लिए प्रसाद और सारा कुछ हस्बैंड को खिलाते हैं, प्रसाद और कपड़ा देते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए जनेऊ और रुमाल चढ़ाई थी, टी शर्ट मैं ली थी वो पहले ही पहन चुके थे तो फिर पहना हुआ नहीं चढ़ाते, एकदम नया ही चढ़ाते हैं। और यहाँ पर मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए, तो रुनवाल गार्डन देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट दिखा रही हूँ आपको, रुनवाल गार्डन का व्यू है। और अभी मैं मंदिर भी थोड़ा सा जाऊँगी दर्शन करने, तो मंदिर का भी थोड़ा सा आपको क्लिप दिखेगा इस वीडियो में। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में और चैनल पे अगर कहीं से भी आए होंगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बने रहिए लास्ट तक। पहुंच चुके हैं मंदिर में और दर्शन कर ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत देर तो नहीं रुके क्योंकि बहुत जल्दी था, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ऑफिस जाना था, तो यहाँ पे बस 5 मिनट हम लोग बैठे और फिर निकल लिए। घर पहुंचने के बाद फटाफट से मैं पूजा की थी पर वीडियो शूट नहीं हो पाया। लास्ट में थोड़ा सा पंखा डलाते हुए और इनको प्रणाम करते हुए मैं वीडियो शूट की क्योंकि कोई था नहीं वीडियो शूट करने वाला भी घर में, ट्राइपॉड लगाने का टाइम नहीं था क्योंकि
क्योंकि बहुत जल्दी था, नाश्ता भी बनाना था इनके लिए, इनको ऑफिस जाना है। और देखिए स्टाइल में कैसे 500 रुपये ही दे रहे हैं, 100-100 का नोट पकड़ा रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा ही दे रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। और ये बोलते हैं क्या ना कि मैं गिफ्ट लेना और ये सब भूल जाता हूँ यार, तो ले लो तुम पैसे ले लो, कुछ खरीद लेना इस तरह से। तो इनको गिफ्ट वगैरह देने का कुछ इतना ज़्यादा ये नहीं है, शौक़ भी नहीं है कि कुछ गिफ्ट ले, अरे ये करें वो करें। चलिए ठीक है, जो भी है